आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चाइनीज डिपार्टमेंट में छात्रों ने आज अयोग्य शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र अयोग्य शिक्षक को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों द्वारा बताया गया कि चाइनीज डिपार्टमेंट में ऐसे शिक्षक को तैनात किया गया है जो कि संबंधित भाषा तक नहीं जानता, उसे अच्छा ज्ञान भी नहीं है जो कि वह उस भाषा में छात्रों को ज्ञान दे सके। छात्रों द्वारा प्रॉक्टर से लेकर 22 चांसलर तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे नाराज छात्र आखिरकार हड़ताल पर बैठ गए। शिक्षक द्वारा छात्रों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है। शिक्षक द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है, जिससे नाराज छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब तक अयोग्य शिक्षक चाइनीज डिपार्टमेंट में तैनात नहीं किया जाता, तब तक छात्र धरने पर से नहीं हटेंगे। शिक्षक द्वारा जो छात्रों को परीक्षा के समय फेल किया गया है, उसकी सही जांच कर उनको उत्तर पुस्तिका के आधार पर नंबर दिए जाएं, अन्यथा छात्र इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। अलीगढ़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। मैं लास्ट ईयर यहाँ पर कोर्ट मेंबर था, और पिछले साल से यहाँ पर एक मसला चल रहा है चाइनीज डिपार्टमेंट का, कि यहाँ पर एक टीचर अपॉइंट होना था और उसकी पोस्ट खाली थी। तो उसका जब अपॉइंटमेंट हुआ यहाँ पर, तो उसमें सिलेक्शन कमेटी में कुछ ऐसे लोग बैठे कि एक ऐसे टीचर को यहाँ पर थोपा गया जिसको अपनी लैंग्वेज की नॉलेज नहीं थी। तो उसको सिर्फ एक महीने के लिए बुलाया गया था यहाँ पर। एक महीने के बाद में बच्चों ने फीडबैक दिया अपना कि जो है टीचर इस लायक नहीं है कि हमें पढ़ा पाए, आप जो है कोई दूसरा टीचर अपॉइंट करिए। वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पता परमानेंट भी नहीं था, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो उसका एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी। डीन साहब को खबर पहुँच चुकी थी, बच्चों ने रिटर्न में कंप्लेन दी थी। उसके बाद देने के बाद में उनका एक साल का एक्सटेंशन किया गया। जब उनका एक साल का एक्सटेंशन उनको मिल गया, उन्होंने बच्चों को पर्सनली टारगेट किया। जो जो बच्चे उनसे क्वेश्चन पुटअप करते थे, उन्हें बताते थे आप गलत पढ़ा रहे हो, ये सही नहीं है, तो उन्होंने उन्हें धमकी देते थे, उनको टारगेट करते थे पर्सनली। तो रिसेंट में ये मामला हुआ कि बच्चों को जब एक साल से इस मामले में फंसाया जा रहा था, तो बच्चों ने उससे पहले 3 कंप्लेंट डाली इनको डीन साहब को, बट उन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फिर बच्चों ने सारे बच्चों ने मिलकर वाइस चांसलर को एक मेल किया उनके खिलाफ कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब रिसेंटली मसला ये हुआ कि उन्होंने बच्चों के नंबर्स मार्क्स अनाउंस किए। अनाउंस करने के बाद जो रिजल्ट आया, उसमें सारे बच्चे फेल थे। ये बच्चे वो थे जो टॉपर्स थे क्लास के, 90+ वाले हैं। उसके बाद में बच्चों ने शिकायत की कि ऐसे ऐसे ये टीचर पढ़ा भी नहीं पा रहे हम लोगों को, हमें ये टीचर नहीं चाहिए, और इन्होंने पर्सनली टारगेट किया है कि हमने वाला क्वेश्चन रेज किया है कि पढ़ा नहीं पा रहे, तो इसलिए हम लोगों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, आप इनको हटाइए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। बच्चों ने एक हफ्ते पहले रिटर्न में स्टेटमेंट दिया वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को, प्रोक्टर को और कंट्रोलर को कि आप इन्हें हटाइए, हमारे पास इनके वीडियो और ऑडियो एविडेंस मौजूद हैं कि ये इस लायक नहीं है ये पढ़ा सकें, इन्होंने जो नंबर्स अनाउंस किए हैं उनमें गड़बड़ है। सीधा सीधा वीडियो एविडेंस हमारे पास में मौजूद है, ऑडियो एविडेंस हमारे पास में मौजूद है। उसके बाद भी एक हफ्ते से इनके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी सेटअप नहीं किसी भी तरह की। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनको निकालना ही नहीं चाहता। 15 तारीख को इनका टाइम पीरियड ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन तभी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो बच्चों ने कहा कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब इसमें गुनहगार वो लोग हैं जो एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट वहाँ पर बैठते हैं और ऐसे टीचर को अपॉइंट करते हैं जो इस लायक नहीं। हम लोगों को लैंग्वेज आती है, लेकिन जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है उसको लैंग्वेज आती है, वो बताएगा ना कि इसको आती है कि नहीं आती। अगर वो उसको अप्रूव कर रहा है कि हाँ ये लायक है पढ़ाने के, और फिर बच्चे उसको करेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी दोषी है। जो वहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के मेम्बरान्स बैठे हुए हैं वो उसको कह रहे हैं कि ये हम इसको अप्रूव करते हैं, वो भी दोषी है। और जब बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे?